तुम्हारे पास तो वक्त होना चाहिए। बगैर अल्लाह हु का अल्लाह नजर नहीं आता। अल्लाह हु है, हु एक मुकाम का नाम है जहाँ गौस पाक मिलेंगे। हु की मुकाम ये आदम पना ने फरमाया है। हु एक मुकाम है, एक मैदान चटियल है, उसी जगह गौस पाक मिलेंगे। हमारे खानदान में कमी नहीं है, कोई गौस हुआ है, कोई अब्दाल हुआ है, कोई कलंदर हुआ है, कोई कुतुब हुआ, कोई अब्दाल हुआ, तो सभी हुए ना। लेकिन जैसा हमारा मौला बोल दिया कि तुम खाओ पियो ऐश करो, बाकी हम सब देख लेंगे कब्र में से लेकर महशर तक, ऐसा किसी ने बोला नहीं है। हम वारसी कहलाते हैं। वारसी होना बहुत फक्र की बात है। फक्र है, ये है मेरे मौला पर फक्र है। मेरे मौला ने कहा है खाओ पियो ऐश करो, बाकी हम सब देख लेंगे। मालिक के नाम पर है, मालिक के काम पर है, मालिक का सदका खा रहे हैं। जो कमाई किया है मेरे मालिक ने, वही हम तो खा रहे हैं भाई। ने हमारे पास क्या रखा है। लेकिन जैसे कि और जो नमाजी जो हो रहे हैं, जो आजकल मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं भाई, नमाज पढ़ रही है। माविया ने उस वक्त 90 साल तक अली मौला के गाली गुप्ता क्यों बकवाया मस्जिद में। 90 साल की उम्र थी। और जब लाश मरने लगा तो अबुल कदाला रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, कह अली अगर हमको माफ कर दे तो मेरे बख्शिश हो जाएगी। माविया ने कहा ये बस मौजूदात है उसका, ये मलफुजात है उसका। मलफुजात उसे कहते हैं जो आखिरी वसीयत की जाए। यानी शुरू में उसको समझ में नहीं आया, जिंदगी भर लगता रहा, जब आखिरी में अंत समय आया, अंत समय बनाया तो यजीद को बना दिया, 11 आदमियों का नाम लिख कर दे दिया कि खास तौर से हुसैन पर निगाह रखना, उनकी खिदमत अच्छे तरीके से करना। मतलब उसकी वसीयत ये थी, ये थी, और उसने वो किया नहीं भाई। उसने के खिदमत करने का क्या मतलब था, राउंड देना। अच्छा, खिदमत करने का मतलब कि राउंड देना। जब बोलता है तो उल्टी खेक बोलता है, यानी तबर्रा बोला, तबर्रा बोला। अली मौला डाली जान पर बहुत तबर्रा बोला है। सिर्फ गोरिस्तान एक ऐसा मुकाम था जहाँ वो तबर्रा नहीं बोल पाया, पूरी जिंदगी जंग होने लगी। हिजाज बिन यूसुफ ने चढ़ाई किया, मगवान ने चढ़ाई किया, माविया चढ़ा लेकिन फतह नहीं पाया। गोरिस्तान इसलिए कहा गया, बैगाम गौर एक हुकूमत करने वाला था, मौला अली ने अपना साफा दे दिया था उसको। अच्छा, एक सल्तनत थी वो, एक सल्तनत गोरिस्तान का। कुछ बातें सीने में भी रखा जाता है, वक्त पर बोला जाता है, रबराज की बात है। और कुछ बातें अलैहदान बोल दी जाती है। तो दुनिया है, दुनिया किसी को छोड़ा नहीं है, या हमारे मौला को नहीं छोड़ा है, तो हम लोगों को क्या छोड़ेगा। हम लोगों को क्या छोड़ेगा, हम तो वारसी हैं। आज वारसियों को कहा जाता है कि ये सिया हैं। अगर मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी नस्ल कौन से पुश्त में है, तुम अपना नस्ल बताओ। आज कहते हो कि मोदी ने नमाज बंद कर दी, 5 आदमी का हुक्म दे दिया, तुम उसकी बात मान रहे हो। कल अजीत की हुकूमत में भी थे तुम्हारे बाप दादा, तो उसी की हुकूमत न माने, 5,000 मौलवी अजीत के साथ थे, 5,000 मौलवी अजीत के साथ थे, 260 मौलवियों ने लिख के दिया था हुसैन वाजिबुल कत्ल है, यानी उनको कत्ल कर दिया जाए, वो सही नहीं है। आज का यजीद मौलाना गुलाम रसूल है बलियादी, वो लिखता है कि हुसैन इस लायक थे,
आज की मौलवियों की बात सुनी जाती है, देखी जाती है, समझी जाती है, तो बहुत सी बातें हैं। सब नारे लोडक में जाएंगे इस तरह के बोलने वाले। भाई ये तो सफुद्दीन साहब बुआरी साहब मस्कलंदर ने कह दिया है कि रोज मैसर में एक एक मौलवी नौ नौ कुंटल का होगा, सब जहन्नम में जाएंगे। सीधा सीधा आपने बोल दिया, एक बड़ी का एक कलंदर का कहना है। जबकि कुरान पढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं, टोपी लगाते हैं, रोजा रखते हैं, नमाज अदा करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हक ईमान है क्या। भाई अगर पता नहीं है तो उसका पता करो। और मानेंगे भी बगैर अली के ईमान हो ही नहीं सकता। जबकि सरकारी दुनिया ने फरमा दिया कि वो शहर है। भाई शहर है, आप बाबे हैं, आईना भी है, आईना भी है, सिराते मुस्तकीम भी है, तुमसे सीधा रास्ता पकड़ना होगा तो सिराते मुस्तकीम को इशारा भी किए हैं कि सिरातुल मुस्तकीम, इशारा भी किए, इशारा नहीं ऐलान किया है आपने कि अली सिराते मुस्तकीम है। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा है। अच्छा, नाम बनाम चलता है यहाँ के। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसको जल्द रखा जाता है, वक्त आएगा। आज तुम वाक्सियों को कहते हो सिया हैं, तो तुमको अपनी नस्ल बताना होगा ना। क्या उसी हरामी बाप का नाम लोगे माविया का, जो चार बाप का औलाद है? क्या यजीद का नाम लोगे जो बेइंतहा बाप का औलाद है? तवायद थी। तो बहुत सी बातें हैं, ये सब बातें अपने सीने के अंदर ही रखा जाता है, वक्त आने पर बोल के निकल जाएंगे। फिलहाल ना ठीक है।